केदारनाथ धाम जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और पंच केदार में भी आता है और इन्हीं वजहों से इस मंदिर की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। केदारनाथ का मंदिर सबसे पहले पांडवों ने बनवाया था जब वो कैलाश की यात्रा पर जा रहे थे और इस मंदिर को रीबिल्ड किया आदि शंकराचार्य जी ने 8th सेंचुरी में। दिस इज द सेकेंड वीडियो फ्रॉम द सीरीज और अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो जिसमें हम ऋषिकेश से गुप्त काशी तक आए थे वो नहीं देखी है तो डू वॉच इट, लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। क्योंकि हम रात को गुप्त काशी में ही रुके थे तो अभी हम अर्ली मॉर्निंग 4:30 निकल रहे हैं। गुप्त काशी से सोनप्रयाग तक जाएंगे हम अपनी ही गाड़ी में और वहां से आगे हम टैक्सी करेंगे जो कि हमें लेके जाएगी गौरीकुंड तक। गुप्त काशी से सोनप्रयाग का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर है और इसी के बीच में आता है फाटा। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको फाटा तक आना पड़ेगा जहाँ से मोस्टली हेलीकॉप्टर सर्विसेज स्टार्ट होती हैं। सोनप्रयाग में फर्स्ट पार्किंग है और सेकंड पार्किंग आपको मिलेगी सीतापुर में जो कि सोनप्रयाग से थोड़ा ही आगे है और यहीं से पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। यहां पर आपको क्लोक रूम्स भी मिल जाएंगे जहां पर आप अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हो और ब्रिज क्रॉस करके आपको मिलेगी शेयर टैक्सी जो आपको ले जाएगी गौरीकुंड तक और इसका प्राइस है 50 रुपीज पर पर्सन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन आप खुद से ऑनलाइन भी करा सकते हो, इसका प्रोसेस बहुत इजी है। बस अपनी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन डालिए और जो यात्री आपके साथ यात्रा कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन डालिए, उनके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ अपलोड करिए और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। वैसे तो फर्स्ट गेट पर भी आपको काउंटर मिल जाएंगे जहां से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, बट अगर आपके टाइम पर आपको यहां पे भीड़ मिलती है तो आपका 1 से 2 घंटे यहां पर वेस्ट हो जाएंगे, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा के ही चलिए। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ अ डे 3 ऑफ आर यात्रा और हमने गौरीकुंड से अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट कर ली है। मॉर्निंग में चले थे 4:15 बजे गुप्त काशी से, ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा हमें पहुंचने में एंड कैब वैब करके सब पैदल यात्रा स्टार्ट करने में, और चलिए चलते हैं फिर और आपको भी लेके चलते हैं साथ में। अनदर रिकमेंडेशन कि अगर आप सोनप्रयाग में ही स्टे करते हैं तो आपका और भी टाइम सेव हो जाएगा जिससे कि आपका मॉर्निंग में गुप्त काशी से गौरीकुंड तक का टाइम बच जाएगा और यहां पर भी आपको अच्छे स्टेज मिल जाएंगे और गौरीकुंड में भी आपको बहुत सारे क्लोक रूम्स मिल जाएंगे जहां पर आप अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हो। गौरीकुंड में हॉट वाटर स्प्रिंग भी है, आप चाहें तो यहाँ से नहा के अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हो। किलोमीटर कंप्लीट इन 40 मिनट्स ऑलमोस्ट, जिसमें हमने ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक भी लिया था। नॉट बैड बट हाँ, थोड़ा सा पिकअप करते हैं। पूरे रास्ते में आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, जस्ट दैट जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे खाने की चीज़ें और बाकी सामान की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो आप लोग जब सुबह स्टार्ट करते हो तो ठंड लगती है एंड देन जैसे जैसे आप वॉक करना स्टार्ट करते हो तो गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, बॉडी हीटअप होनी स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए लेयर्स में कपड़े पहनो सो दैट आप जैसे जैसे आपको गर्मी लग रही है या ठंड लग रही है तो आप पहन सकते हो या उतार सकते हो। यार अगर यात्रा करने आ रहे हो तो पैदल जाओ वरना मत आओ। अच्छे खासे हट्टे कट्टे जवान लोग घोड़ों पे और काफ़ी ओल्ड एज लोग हैं जो पैदल चल रहे हैं और मोस्टली 25 से 30 वाले लोग हैं जो खच्चरों पे चल रहे हैं। यहाँ से जंगल चट्टी अभी भी 1.5 किलोमीटर्स है, बट सीरियसली
ये बोर्ड्स देख के बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। यहाँ पर मोस्टली माइलस्टोन्स और बोर्ड्स पे आपको नंबर्स मिटे हुए ही मिलेंगे। यात्रा का तो मतलब ही होता है पैदल यात्रा। घोड़े से जाना हम रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कितनी एनिमल क्रुएलिटी होती है। हम उस चीज को सपोर्ट नहीं करते, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं करेंगे। चले, सांस नहीं फूलेगी। इफ यू फील कि आप पैदल नहीं जा सकते तो आप हेलीकॉप्टर की ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको पालकी की ऑप्शन मिल जाएगी। बोर्ड दिखा 12:30। चलते हुए छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहिए और थोड़ा थोड़ा खाते रहिए। सामने वाला पहाड़ एकदम व्हाइट दिख रहा है, ऊपर ठंड होने वाली है। और ये भाई साहब हमारे साथ ही चल दिए हैं। आप पहाड़ों में जिधर भी देखोगे आपको 2-3 वाटरफॉल्स ऐसे ही दिख जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स है रास्ते में, बट बहुत भीड़ भी है। हम लोग भी एक वाटरफॉल पे रुके हैं, बस निकलेंगे आगे। एकदम प्लेन रास्ता जंगल छट्टी के बाद, और यहाँ से भीमबली है 2 किलोमीटर्स, बट अभी तक इतना पता नहीं चल रहा है। आराम आराम से चल रहे हैं, ब्रेक्स ले लेके, और कुछ कुछ खाते पीते चल रहे हैं। खाने पीने का पूरा इंतज़ाम है, हर 5 कदम पे 50 स्टॉल्स मिल जाएंगी, सब कुछ मिलेगा। फ्रूट्स, मैगी, पराठा, और जी भर के शिकंजी पीजिए आप बस। क्या बढ़िया वाटरफॉल है मेरे पीछे। जगह को बोलते हैं भीमबली, और अब हमें कैंप्स वगैरह दिखने शुरू हुए हैं। यहाँ से अभी है 10 किलोमीटर्स, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। एंड यहाँ के लोकल्स तो बोल रहे हैं स्नोफॉल होने वाली है, बट लेट्स सी क्या होता है। A few moments later. अभी हम लोग हैं रामबाड़ा में, तो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक पुराना रास्ता है जो कि बोलते हैं काफ़ी स्टीप है, एंड एक रास्ता है जो न्यू कंस्ट्रक्शन है, वो थोड़ा सा लंबा बताते हैं, बट हम लोग वही ले रहे हैं बिकॉज वो नीचे जाके फिर चढ़ाई है। एटलीस्ट 500 meters का डिफरेंस है।
ऊपर क्लाउड्स बन रहे हैं और सडनली स्नोफॉल डेफिनेटली होगी आज। वाटर रिफ्रेशमेंट ब्रेक हो गई है, आगे चलते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ 12 बजे हैं और वेदर इस तरह का हो गया है जैसे रात होने वाली है। और वो वाला रास्ता नहीं लिया हम लोगों ने, हम इधर वाले रास्ते से आए। हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं व्यूज आर गेटिंग माइंड ब्लोइंग। नया वाला रास्ता सिर्फ 500 मीटर्स एक्स्ट्रा है, बट थोड़ा सा प्लेन रास्ता है और घोड़ों का ट्रैफिक नहीं रहता यहाँ पे। अभी हम लोग न्यू रूट से आए हैं, वहाँ से नीचे से ओल्ड रूट है और ये पिच क्रॉस करके पूरा ऊपर कनेक्ट होता है, और वहाँ से सीधा जाके जो है वो पूरा पुराना रूट था जो 2013 में वॉश आउट हो गया था। बारिश का प्रिडिक्शन था, ऊपर स्नोफॉल का प्रिडिक्शन है, तो फाइनली हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है, तो हमने ऊपर वाला रेनकोट तो पहन लिया है, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे रेनकोट। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, स्टिल 8.5 किलोमीटर्स टू गो। Another important point is कि आप घोड़े वालों से रास्ता पूछने की गलती मत करना, वो आपको मिस गाइड करके आपका मोराल डाउन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप उनसे घोड़ा ले लो। बारिश की वजह से थोड़ी स्पीड स्लो हो चुकी है और ऊपर से जो घोड़े आ रहे हैं उनके ऊपर स्नो गिरी हुई है, तो ऊपर डेफिनेटली स्नोफॉल हो रही है। अभी यहाँ पर तो बारिश हो रही है, बट आप ऊपर देखिए एकदम फ्रेश ब्रांड न्यू स्नो है। अभी यहाँ पर तेज बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बट चलते रहना पड़ेगा, इट्स स्टिल 8 किलोमीटर्स टू गो। अभी हमें यहाँ पे एक शेल्टर मिला है और खाने पीने की जगह है, मतलब कुछ लंच करेंगे। बारिश हो रही है, ये थोड़ा लंबा ब्रेक लेंगे आगे बढ़ने से पहले। और देखते ही देखते बारिश बहुत ज्यादा होने लग गई। इवन जो ऊपर से पोनीज भी आ रहे हैं वो भी स्नो कवर्ड आ रही हैं। अभी टेम्परेचर एकदम से इतना गिर गया है कि मुंह से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है, और व्यूज उनका क्या ही कहें, व्यूज एकदम हेवनली हो चुके हैं। मजा आ गया, ऑल्दो बारिश ने थोड़ी स्पीड स्लो कर दी है और कीचड़ कीचड़ भी कर दिया है। हम लोग जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे ठंड और बारिश बढ़ती ही जा रही थी, जिससे हमें बहुत फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेनी पड़ रही थी, कभी बारिश से बचने के लिए तो कभी गर्म पानी या कॉफी पीने के लिए। और ऐसे वेदर में हम अगले 5 घंटों में सिर्फ 5 किलोमीटर ही कवर कर पाए। हमारे फोन्स और कैमरा की बैटरी भी ठंड की वजह से जल्दी ड्रेन हो गई थी, और हमने रास्ते में ही टेंट लेकर रुकने का डिसीजन लिया। Do check us out on Instagram and follow for more interesting real-time stories.